फ्रेंड्स, मैं श्वेता श्वेता क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप सब देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है, और इधर मैं अपना पानी भी बारिश का, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि मैं बारिश का पानी कलेक्ट करती हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर हमें कोई भी कटिंग लगानी है तो हमें बारिश में ज़रूर लगानी चाहिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत जल्दी मतलब ग्रो कर जाती है और इसकी रूट्स जो हैं बहुत जल्दी निकलती हैं। अब जैसे ये है, ये मैंने छोटे छोटे एलोवेराज, अगर आपको कहीं से मिल जाए आपके घर पे हो, उसकी कटिंग्स रख लीजिए। और मैंने इसको देखिए ऐसे किसी भी ब्लेड से इसको ऊपर की जो इसकी स्किन है उसको छीन लेना है, इस तरीके से इसको छीन लेना है। ये सब कटिंग्स मैंने रखी हुई हैं और मैं देखो इसको सबको, इसमें तो ऑलरेडी थोड़ी सी रूट है, देखिए ये सदाबहार के भी ऐसे ग्रो कर जाएंगे। इसमें क्या करना है, हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर, मैं आपको जल्दी से इसलिए करके दिखा रही हूँ, आप 7-8 बार इसको इस तरीके से सबको करिए और इनको ऐसे रख दीजिए। इसकी जल में इतने गुण होते हैं कि ये पौधे को हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सब इसको मिलता रहता है। अब ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने 20 दिन पहले लगाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी कनेर की है, मेरे ख्याल से मैं शायद इसमें रूट आ गई होगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें रूट आ रखी है। देखो ये भी मैंने इसी तरीके से लगाई थी, इसमें भी मैंने ऐसे ही एलोवेरा जल लगाया था, और मैं इसको इसी में ही ग्रो करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी गमला नहीं है। और मैं साथ साथ एक ये भी डालती रहूँगी साथ में इसके एलोवेरा का। जब मेरे पास गमला होगा तो मैं इन्हें निकाल दूँगी, फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, और साथ साथ ये छोटी छोटी डालते रहिए इसके साथ में। इसमें अभी इतनी जगह नहीं है, मैं शाम को चेंज करके इसे निकाल दूंगी, बीच वाली जो है इनको दूसरे पॉट में लगाऊंगी, ये लगी रहने दूंगी क्योंकि इसमें रूट्स आ गई हैं। इस तरीके से आप इसे लगाइए, बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे, फिर आप इसको दूसरे वाले पॉट में लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।